शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने आज फैमिली लॉ पर बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है। फैमिली कंसेप्ट पर, फैमिली किस तरह की होती है और किस हिसाब से हमें उसे रखना चाहिए, इस पर मैंने वीडियो बनाए। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे लॉ रिलेटिंग वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मैंने बहुत सी लॉ रिलेटिंग वीडियोज़ बना दिए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और प्लीज़ यार, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस पर, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कर दो यार एक बार। और जो मैंने वीडियोस बनाए उसे अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर आपके पास हेडफोन होगा तो बहुत अच्छा होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इसमें, और जो कुछ भी फैमिली की कंसेप्ट है उसमें पूरी तरह से बता दी है, और जो कुछ भी लॉ के हिसाब से चाहिए वो भी सब कुछ इसमें बता दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम सीखेंगे फैमिली। अगर हम फैमिली की कंसेप्ट अच्छी तरह से समझेंगे तो पूरा फैमिली लॉ समझ पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, एक्सप्लेन फैमिली कंसेप्ट। तो फैमिली कंसेप्ट है, और ये कहाँ से आए, कहाँ से शुरू हुई, ये हम सब इसमें देखेंगे। ये फैमिली लॉ का एक हिस्सा है, तो आप अच्छे से समझिए इसे, और ये समझेंगे तो पूरा फैमिली लॉ समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास हेडफोन होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अगर कुछ समझ में ना आए तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही लॉ रिलेटिंग वीडियोस मिलती रहे और आपकी नॉलेज बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। फैमिली, फैमिली मतलब क्या है, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी का इम्पॉर्टेंट ग्रुप है फैमिली। ह्यूमन हिस्ट्री ग्रुप सर्वाइवल सिस्टम। ह्यूमन हिस्ट्री में क्या है, ग्रुप सर्वाइवल सिस्टम थी पहले, मतलब जो जंगल की शिकार वगैरह करके खाना खाते थे। तो पहले फैमिली की कंसेप्ट ऐसी ही थी कि ग्रुप सर्वाइवल सिस्टम, सर्वाइव करते थे, जैसे कि जिंदा रहने के लिए कुछ किया जाता है उसे सर्वाइव कहते हैं। तो ये सर्वाइव सिस्टम थी। इंग्लिश वर्ड में फैमिली ए जो है ये लैटिन से आया है, फैमिलिया। इंग्लिश वर्ड जो फैमिली है वो लैटिन वर्ड से मिला है, फैमिलिया वर्ड से फैमिली बन गया, मतलब उसका है हाउस होल्ड, मतलब जो घर है वो, ठीक है। घर कैसे बनता है, तो फैमिली होनी चाहिए, उसके सिवा घर तो नहीं बनता है। इंक्लूड सर्वेंट स्लेव्स एंड अदर्स, इट मीन्स ऑल पर्सन्स पेरेंट्स चिल्ड्रन लिव इन वन हाउस, ठीक है। जैसे कि सर्वेंट्स किस लिए चाहिए, स्लेव्स और अदर्स पर्सन किस लिए चाहिए, तो फैमिली बनाने के लिए चाहिए। कोई कमा के लाएगा, कोई खाएगा, कोई खिलाएगा, तो ऐसे ही अच्छे से प्यार से रहकर फैमिली बनती है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, मिस्टर क्लेयर जो है उन्होंने फैमिली की कंसेप्ट क्या बताई है। फैमिली इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, फैमिली इज सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। मैक आइवर क्या कहते हैं, सर मैक आइवर, द फैमिली इज ग्रुप बाय सेक्स रिलेशनशिप एंड प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो ये जो कहते हैं कि फैमिली किस लिए शुरू होती है, सेक्स रिलेशनशिप के लिए, प्रोक्रिएशन मतलब बच्चे पैदा करने के लिए और उन्हें बढ़ाने के लिए बच्चों को, सॉरी। तो ऐसे ही फैमिली बनती है, डेफिनेशन तो हो गई, अब ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। थ्योरी ऑफ फैमिली कंसेप्ट, ओरिजिन ऑफ फैमिली, थ्योरी ऑफ फैमिली कंसेप्ट देखेंगे अभी। फैमिली हैज़ बीन फाउंड इन एवरी ह्यूमन सोसाइटी। हम देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में भी बहुत सी फैमिलीज होती है, तो बहुत सी फैमिलीज बनकर ही सोसाइटी बनती है, ठीक है। डिफिकल्ट टू ट्रेस हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ मैरिज, मतलब जो फैमिली कहाँ से आई ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, ट्रेस नहीं हो पा रहा है, लेकिन हिस्टोरिकल ग्रुप्स और मैरिज जो है वो उसका भी थोड़ा बहुत ही पता चल चुका है। वो ज़्यादातर हमें बातें
जो मैरिज का कंसेप्ट कहाँ से आई और फैमिली कैसे बनी है थोड़ा ट्रेस करना मुश्किल है, लेकिन जो ह्यूमन जो है वो जो मनुष्य है वो समाज प्रिय समाजशील प्राणी है, तो ऐसे ही समाज बनाने के लिए वो एक साथ रहना पसंद करता है। ओरिजिनेटेड कंसेप्ट ऑफ मैरिज, मतलब जो मैरिज कंसेप्ट है वो भी इस फैमिली के हिस्सा है, ठीक है। थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म, क्या है थ्योरी ऑफ सेक्स का? मैन एंड वुमन आर रिस्ट्रिक्शन हेरिटेंस फॉर सेक्सुअल पर्पज, सेक्सुअल पर्पज के लिए फैमिली के कंसेप्ट में आते हैं। तो ये थ्योरी जो है, दिस थ्योरी नॉट मच एक्सेप्टेबल, सिर्फ सेक्स के लिए नहीं, बहुत सी ऐसे कारण होते हैं जो एक साथ लोग आ सकते हैं, किसे जैसे कि हम आगे देखेंगे मैत्री संबंध, तो उसमें भी उस हिस्से उस हिसाब से भी एक साथ आ सकते हैं। पार्शियल थ्योरी, इसमें जो है ये थ्योरी ऑफ सेक्स कमीशन हो गया, तो पार्शियल थ्योरी, पार्शियल थ्योरी जो है बिलीव फैमिली स्टार्टेड अथॉरिटी, तो पार्शियल मतलब फादर, फादर के हिसाब से चलती है, जो फादर या मैन होता है उसका मैन जो, तो उसके हिसाब से ये पार्शियल थ्योरी चलती है। तो प्लेटो, अरिस्टोटल और सर हेनरी मैन ने जो ये थ्योरी को फॉलो किया है, कैसे पार्शियल थ्योरी, दिस थ्योरी नॉट मच एक्सेप्टेबल, ये ज़्यादा तो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में बोथ आर जो होते हैं मैन और वुमन, वो दोनों ही एक साथ रह सकते हैं, एक मतलब जो एक विचार से, और हमारे यहाँ पुरुष प्रधान ही, तो यहाँ पर देखिए पार्शियल थ्योरी जो है वो पुरुष प्रधान ही है। अब देखते मैट्रियार्शल थ्योरी, ये भी नॉट एक्सेप्टेबल है, लेकिन देखेंगे फैमिली ओरिजिनेटेड विद द मदर, मदर ही इसका मेन है, हेड होता है, तो ये भी दिस थ्योरी ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल मॉडर्न सोसाइटी, तो पुरुष प्रधान ही बनती जा रही है हमारी जो कंट्रीज है वो सभी की सभी। तो ऐसे ही से याद रखना है आपको कि मार्शल और मार्ची आर्शल और फार्सी आर्शल, तो ये जो थेरीज है वो दोनों भी आप समझ गए होंगे, फादर और मदर, यम से यहाँ पर याद रखना है आपको, मार्शल आर्शल मतलब मदर की ओरिजिनेटेड होती है। तो थेरी ऑफ पॉलीगैमी, पॉलीगैमी क्या है, डार्विन में, डार्विन जो जुकरमैन है मेलिनोस्की है, उन्होंने सबने इस थेरी को एक्सेप्ट किया है। पावरफुल मेल मेंबर्स दे आर डिग्निटी एंड होनर्स टू प्रोसेस ऑफ हिम, मतलब उसका प्रोसेस मतलब उसका अधिकार होता है फीमेल पर, ये जो थ्योरी ऑफ पॉलीगैमी है, और वो उसके हिसाब से ही उसे यूज करता है स्त्री को, मतलब जो वुमन है उसको। यहाँ पर देखिए पावरफुल मेन, पावरफुल मेन मतलब पावर सब कुछ मेन के हाथ में होते हैं। बेसिस ऑफ फैमिली सोशल रिकॉग्निशन, मतलब अभी जो सोशल में चल रहा है, समाज में चल रहा है वो यही है बेसिस। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी, मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट द कंसेप्ट ऑफ मैरिज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली वुड ग्रेजुअली इवॉल्व ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि डिफरेंट फैक्टर्स पर मल्टी फैक्टर थ्योरी है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि किस हिसाब से वो फैमिली बनी है, तो सेक्स के हिसाब से, प्रोक्रिएशन, परमेनेंशियल कोऑपरेशन नीड, प्रोपरेशल फैमिली एंड इकोनॉमिक्स नीड्स, तो सबकी यही नीड्स होती है, इसके हिसाब से ही फैमिली बनती है। और ये मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है यही अभी हमारे कंट्रीज में शुरू है, जो सबको सब जगह पर शुरू है वो मल्टी फैक्टर थ्योरीज है, क्योंकि ये सब नीड्स जो है ये इंसान की हमेशा के लिए नीड है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक देखिए, मेटिंग रिलेशनशिप मैन एंड वुमन इस्टेब्लिश शॉर्टर और लॉन्गर रिलेशनशिप, इसमें मेटिंग रिलेशनशिप के लिए भी जाना जाता है इस कंसेप्ट को।
तो यही है कैरेक्टरिस्टिक, जो शॉर्टर में भी आप रिलेशनशिप लग सकते हैं या लॉन्गर में भी, अगर कुछ वाद विवाद होता है तो वो छोड़ सकते हैं। इफ दिस रिलेशनशिप ब्रेक अप फैमिली डिस्ट्रॉय, ये जो रिलेशनशिप है अगर ब्रेकअप हो गया तो फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है। ठीक है, मैरिज, मैरिज एक ऐसी कंसेप्ट है, मे बी अरेंज्ड और लव। मैरिज किस प्रकार का हो सकता है, लव भी हो सकता है और अरेंज्ड भी हो सकता है। नॉमिनी कल्चर, एवरी फैमिली हैज नेम। ठीक है, तो हम किस फैमिली से, जैसे कि आप देखिए हम राजपूताना रजपूत है ऐसे बोलते हैं, जैसे कि हम महाराणा प्रताप के फैमिली है, यादव फैमिली है, तो इस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ नेम होता है, तो आप किस फैमिली से हैं। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक प्रोविजन टू सेटिस्फाई इकोनॉमिक नीड्स। इकोनॉमिक नीड्स मतलब जो मनी और मेंटेन ऑफ फैमिली नीड्स जो होती है, उसके हिसाब से इकोनॉमी एक हिस्सा है फैमिली का, तो ये होता है तभी फैमिली अच्छे से चलती है। आपके पास पैसा होना चाहिए तभी आपकी फैमिली अच्छे से चल सकती है। कॉमन हैबिटेशन, अ फैमिली रिक्वायर्स होम फॉर लिविंग, फॉर चिल्ड्रन ब्रीइंग एंड ब्रीडिंग, मतलब कॉमन हैबिट्स जो है, बच्चे पैदा करना, उनके परवरिश करना और उन्हें बढ़ाना, ये हमारा फैमिली का मुख्य उद्देश्य, कॉमन हैबिटेट। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज टाइप्स ऑफ फैमिलीज देखेंगे, ये बहुत अच्छे वाला टॉपिक है और ये शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है। अथॉरिटी बेसिस फैमिली, ये जो पहला है ए वाला, अथॉरिटीज बेसिस फैमिली, इसमें दो पार्ट आते हैं, पैट्रियार्शल फैमिली और मैट्रियार्शल फैमिली। तो हमने थोड़ा बहुत पहले देखा था, ज़्यादा देखेंगे पैट्रियार्शल फैमिली। ऑल अथॉरिटीज के फादर, फादर के पास सब कुछ अथॉरिटीज होते हैं, ही इज अ ओनर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ऑल पर्सन्स लिविंग सबऑर्डिनेट टू हिम, ही इज गार्डियन एंड फैमिली गॉड। तो ये एक पालकत्व भी होता है उसके पास और ये फैमिली का गॉड भी होता है। ऑल पर्सन्स लिविंग सबऑर्डिनेट मतलब उसके हिसाब से उसके नीचे सब कुछ रहते हैं जो फैमिली मेंबर्स है वो। दिस टाइप्स ऑफ फैमिली हेब्रूज, द ग्रीक रोमन्स एंड आर्यंस ऑफ इंडिया। तो फादर जो पुरुष प्रधान संस्कृति है हमारी, तो हमारे इंडिया में है, जैसे कि अथॉरिटी सब कौन करता है, फादर के पास होती है अथॉरिटीज। वाइफ लिव्स इन हस्बैंड्स हाउस, इसमें से और एक कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो वाइफ लिव्स इन हस्बैंड्स हाउस, वाइफ जो है अपना घर छोड़कर हस्बैंड के घर में आती है। मेल हेड, हस्बैंड हेड होता है हमेशा। रिकॉग्निशन ऑफ डिसेंट टू द फादर साइड, रिकॉग्निशन मतलब जो कुछ भी है, जैसे कि जो कुछ भी होगा वो फादर के साइड से ही होगा, जैसे कि सक्सेशन हो गया, सक्सेशन फेवर्स इन द सन फ्रॉम द फादर, जो कुछ भी सन होगा, डॉटर नहीं सन होगा, तो उसके हिसाब से वो सब प्रॉपर्टी वगैरह जो सक्सेशन है, जो वारिस है उसका, वो सन होगा। द मार्शियल फैमिली, ऑल अथॉरिटीज की मदर, जैसे ऊपर लिखा है वैसे आपको ऐसे यहाँ पर लिखना है, फैमिली लॉ हम पढ़ रहे हैं। वुमन हेड मतलब जो कुछ भी है वो वुमन हेड होगी वहाँ पर फैमिली। ऑल पर्सन लिविंग सराउंडेड होगा, उसके नीचे सब पर्सन बिहेव करेंगे और फैमिली में रहेंगे। शी इज गार्डियन एंड फैमिली गॉडेस, वो देवी है फैमिली की और वही सब कुछ देखेगी। बट डाउट्स फैमिली सिस्टम वॉज इन हिस्ट्री और नॉट, ये फैमिली हिस्ट्री में है या नहीं इस पर डाउट है, लेकिन ये बहुत सी जगहों पर, जैसे कि हम रानी लक्ष्मीबाई वगैरह देखते हो, या इंडिया के बहुत मोट सी जो रानी हुई है, बहुत सी रानीज हुई है, तो उनके हिसाब से यहाँ पर दिखता है कि ये मदर के टाइप से अथॉरिटीज होती है, मार्शियल फैमिली होती है। फीमेल हेड, फुल पावर्स उसके पास होती है, रेगनेंस और डिसेंट फ्रॉम द मदर साइड, मदर साइड से जो भी कुछ वारिस होगा वो आगे चलकर बढ़ेगा। मैरिज रिलेशनशिप आर ट्रांजिस्ट द फैमिली समटाइम, कैजुअल विजिटर, कैजुअल विजिटर मतलब जो
कुछ समय के लिए ही पति बनता है, ऐसा है इसमें हो सकता है किस कुछ समय के, मतलब जैसे कि अगर शादी बनाई तो मदर तो मतलब जो उस फैमिली की वुमन जो है वो हेड होगी, और वो अपने पति को कैजुअली मतलब यूज़ कर सकती है और उसके बाद उसे अपने घर भेज सकती है, ठीक है, या उसे हमेशा के लिए नहीं रख सकती, ऐसा ही आता है। सक्सेशन फीमेल कुड सक्सेड, मतलब जो सक्सेशन है वो फीमेल से ही आएगा, लेकिन उसका सन होगा या डॉक्टर होगी वो फीमेल तय करेगी, ठीक है, जो वुमन है उस फैमिली की वो तय करेगी। मैट्रियार्शल फैमिली फादर फॉर हंटिंग पर्पज, तो यहाँ पर देखिए ये कैजुअल विजिटर मतलब जो फादर फॉर हंटिंग पर्पज, मतलब जो पुराने ज़माने में सिर्फ शिकार के लिए यूज़ किया जाता था किसी इंसान को और रहने के लिए और उसे खाना पका कर देने के लिए, तो ऐसे ही वो स्त्रियाँ जो है पुरुष को एक कैजुअल कैजुअल विजिटर की तरह रखती थी। हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइफ, जो हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वाइफ के ऊपर ऊपर ही रहती थी। देन शी कम पोजेस, उसके पास सब अथॉरिटीज आ जाते थे हाउस के, ठीक है। स्ट्रक्चर बेसिस फैमिली, स्ट्रक्चर बेसिस फैमिली ये टाइप्स ऑफ फैमिली का एक हिस्सा है। न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड हेड होता है न्यूक्लियर फैमिली में और ही हैज़ वाइफ और वाइफ्स, मतलब एक से ज़्यादा वाइफ्स हो सकती है उसके पास। यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेसिस बेसिस ऑफ फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली का एक हिस्सा है न्यूक्लियर फैमिली। हम पहला पार्ट देख रहे हैं, हस्बैंड हेड ही हैज़ वाइफ और वाइफ्स एल्सो चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन भी होते हैं उसमें न्यूक्लियर फैमिली। पेरेंटल हाउस होल्ड्स, स्मॉल फैमिली होती है वो, पेरेंटल हाउस होल्ड्स होते हैं, ये अमेरिकन टाइप फैमिली है। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर फैमिली जो है वो अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा होती है न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। अब यहाँ देखिए जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली जो है एक्सटेंडेड फैमिली कहा जाता है उसे। एक्सटेंड और जॉइंट फैमिली मर्ज ऑफ सर्व न्यूक्लियर फैमिली, सेवरल न्यूक्लियर फैमिली जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली, मतलब जो हमारे बच्चे हैं बच्चों के बच्चे हैं उनकी फैमिलीज बनाकर यहाँ पर फैमिली बनाई जाती है। जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली जो है अगर एक दो बच्चे हो गए तो दूसरे एक को दूसरा बिजनेस और दूसरे का दूसरा बिजनेस, ये अमेरिका में होता है, और हमारे यहाँ जो होता है वो एक ही फैमिली बिजनेस ही हो हमारी सब फैमिली बनकर संभालती है। इंक्लूडेड सम जनरेशन, जैसे कि सम जनरेशन मतलब सब सब जनरेशन जो होती है कुछ वो लाइक ओल्ड मैन, ओल्ड मैन से लेकर हिज वाइफ, उसकी वाइफ, सन, सन्स वाइफ, सन्स चिल्ड्रन, उसके सब कुछ ये इसमें रहते हैं। हिंदू फैमिली द टाइप ऑफ फैमिली, हमारे यहाँ देखी जाती है ऐसी जॉइंट फैमिलिया, ठीक है, तो ये इंडिया में ही पाई जाती है जॉइंट फैमिलिया। रेसिडेंशियल बेसिस फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली का रेसिडेंशियल बेसिस फैमिली जो रहने वाली फैमिली होती है वो, यहाँ पर देखें पोट्रियल लोकल फैमिली, पैट्रियल लोकल फैमिली जो है उसमें द वाइफ लीव्स हस्बैंड्स हाउस, और जो मतलब जो हस्बैंड के मतलब पुरुष प्रधान फैमिली हो सके। अ मैट्री लोकल फैमिली जिसमें हस्बैंड लीव्स हिज वाइफ, मतलब जो घर जमाई होते हैं, घर जमाई यहाँ पर देखिए मैट्रियल फैमिली घर जमाई होते हैं वो इसमें रहते हैं, ये आपको रेसिडेंशियल बेसिस फैमिली में याद रखना है, ठीक है। मैरिज बेसिस फैमिली, ये भी डी पॉइंट है, मैरिज बेसिस फैमिली टाइप्स ऑफ फैमिली का एक हिस्सा है। मोनोगेमस फैमिली, वन मैन वन वुमन, वह यहाँ सिर्फ एक मैन एक औरत से ही शादी कर सकता है, वहाँ पर देखिए मोनोगेमस ज़्यादातर हमारे यहाँ दिखाई देता है, अब जो कानून बने हैं उस हिसाब से वन मैन वन वुमन अलाउड ओनली, ओके, सिर्फ एक मनुष्य एक औरत से ही ब्याह कर सकता है। पॉलीगैमस फैमिली, वन मैन मेनी वुमन मैरिज वन टाइम, एक साथ एक आदमी बहुत सी औरतों के साथ शादी कर सकता है, मैरिज बेसिस फैमिली है। देखिए पॉली एंड्रियस फैमिली, पॉलीगैमस में पॉली एंड्रियस वुमन मैरिज मेनी मैन, जैसे कि पॉली एंड्रियस हमने देखा है जो महाभारत में होता था पिछली वीडियो में मैंने बताया,
इसमें बताता हूँ, पांच पांडव थे विल बी वन द्रौपदी, तो उसने एक द्रौपदी से पांच पांडवों ने शादी की थी, तो वुमन मैरिज मेनी मैन, एक साथ पांच लोगों के साथ मैरिज किया था। ये उदाहरण के तौर पर आप पॉलियंड्रस फैमिली में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अनसेस्ट बेसिस फैमिली अब हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ फैमिली का एक हिस्सा है अनसेस्ट बेसिस फैमिली, मैट्रिनियल फैमिली और पैट्रिनियल फैमिली। मदर इज अ बेसिस ऑफ एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री जो है मदर होती है, और यहाँ पर फादर एंसेस्ट होता है, इसमें इतना ही याद रखना है आपको, मदर एंसेस्ट और फादर एंसेस्ट। फंक्शंस ऑफ द फैमिली, यहाँ पर देखिए इसेंशियल फंक्शंस ऑफ फैमिली, सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड, रिलेशनशिप, रिप्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिस फैसिलिटी, जैसे कि घर में फैसिलिटीज होती है उस तरह। तो फंक्शंस ऑफ फैमिली में इसेंशियल ऑफ फंक्शंस ऑफ फैमिली देखेंगे पहले, सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड, जो सेक्स नीड है वो सबके लिए, मनुष्य जो है उसके लिए सेक्स नीड आवश्यक ही है, उसे उसके बाद बच्चे भी पैदा करने होते हैं, क्योंकि फैमिली जो है, फैमिली जो बनती है वो रिप्रोडक्शन से ही बन सकती है। प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिस फैसिलिटी, जो फूड वगैरह होते हैं, शेल्टर होते हैं, क्लोथिंग होते हैं, जैसे कि घर कपड़ा मकान, हम ऐसे ही आ सकते हैं, घर कपड़ा मकान जो है ये हमारी बेसिस फैसिलिटीज़ हैं, कॉमन फैसिलिटीज़ हैं हमारी, फूड कपड़ा मकान, ठीक है। तो यही आप ऐसे ही याद रखेंगे फंक्शंस ऑफ, इसेंशियल फंक्शंस से सब्सिडियरी फंक्शंस ऑफ द फैमिली, नॉन इसेंशियल भी इसे कहा जाता है। तो इकोनॉमिक लाइक फैमिली बिजनेस, फैमिली सर्व्स, हिंदू जैन फैमिली में बेस्ट एग्जांपल है ये, फैमिली बेस्ड बिजनेस होते हैं उस हिसाब से, जो इकोनॉमिक बेस्ड फैमिली होती है सब्सिडियरी इसे कहा जाता है। तो ये रिलीजियस, सोशल, एजुकेशन, हेल्थ, जो कुछ भी आता है इसमें, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट, ये नॉन इसेंशियल फैमिली में आता है। तो आपको ऐसे लिखना है, इकोनॉमिक्स, रिलीजियस, सोशल, एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर और एंटरटेनमेंट जो है नॉन इसेंशियल फैमिली में आता है। तो ये सब कुछ इसमें आता है, जॉन फैमिली का कल्चर में भी आता है, ये एंटरटेनमेंट में भी आता है और हेल्थ में भी आता है, जॉइंट फैमिली में आता है ये सब। तो ये नॉन इसेंशियल ही आप इसे याद रखें। मॉडर्न फैमिली, ये जो है ये चेंज हो रहे हैं, फैमिली की कंसेप्ट जो है वो चेंज हो रहे हैं, ये शॉर्ट नोट्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। चेंजिंग फैमिली सिस्टम, द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली इज चेंजिंग इन मॉडर्न टाइम, स्टार्टिंग मॉडर्न एज इन ऑल कंट्रीज, ये मॉडर्न एज स्टार्ट हो गए है ऑल कंट्रीज में, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली है वो मॉडर्न में कन्वर्ट हो रही है। कंसेप्ट ऑफ मित्र संबंध, मित्र संबंध से मतलब जैसे कि ये जो मॉडर्न फैमिली है वो कैसे भी बन रही है, जैसे कि हम आपस में ही, जैसे कि एक लड़की और एक लड़का है, उस हिसाब से ये शादी कर रहे हैं अपने आप ही, डिवाइडेड होम्स का इसे कहा जाता है। तो डिवाइडेड होम्स प्रॉब्लम जो है कंफर्ट द मॉडर्न फैमिली, इट इज इंस्टेबिलिटी, जो इंस्टेबिलिटी है फैमिली की, यही इसका मेन कारण है कि डिवाइड होम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूड बाय सक्सीडिंग जनरेशंस फिक्स फैमिली, तो यहाँ पर देखिए सक्सीडिंग हो रहा है वारस के अनुसार, जो कुछ भी उसका वारिस है उसके हिसाब से उसका सक्सीडिंग जनरेशन बदल रहा है। तो हमारे हमें पुराने जमाने के जो लोग हैं वो नहीं चाहिए, ऐसा इसका ऐसे याद रखिए आप इसे। द यंगर जनरेशन डोंट लाइक एनी इंटरफेस बाय देयर एल्डर्स, यहाँ पर देखिए उनको, उनके लाइफ में किसी का भी, जो एल्डर्स है हमारे जो बुजुर्ग है उनका कुछ भी इंटरफेरेंस इसमें नहीं चाहिए हमारी जनरेशन में। तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है, अगर हम फैमिली की बात नहीं सुनेंगे तो फैमिली टूट जाएगी, ये भी याद रखिए, और हमें किसी किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है, हमें अपनी ही सोचनी है, ठीक है, हमारी फैमिली की सोचनी है। तो आप ये जो है ये गलत है, ये इसमें ये डिवाइड होम्स हो रहे हैं इस वजह से। प्री
मैरिटल एंड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। तो प्री मैरिटल रिलेशन मतलब जो हम याद रखेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप, जैसे कि पहले ये रहते हैं किस होटल में या किस जगह पर एजुकेशन के हिसाब से, और वो जो लड़की लड़का एक साथ रहते हैं उसके बाद ये मैरिज कर लेते हैं बिना किसी को बताए। देर इज नो लॉन्गर एनी फैमिली ग्राफ, प्रोफेशन मेंबर्स ऑफ अ फैमिली एंगेज इन डिफरेंट परस्यूट्स। जो एक्सेप्शंस है हमारे फैमिली के, तो ये जो है वो बिगाड़ रहे हैं उस हिसाब से। आप इसे याद रखें कि जो एंगर्स है वो एक्सेप्शंस के हिसाब से फैमिली को बिगाड़ रहे हैं, फैमिली को तोड़ रहे हैं। द टेक मेल्स इन होटल फॉर नाइट, सॉरी द टेक मील्स इन होटल फॉर नाइट। जो मील्स है वो होटल में, होटल से लाते हैं अब इस जनरेशन के लोग। हेलो, तो सॉरी द टेक मील्स इन होटल्स, तो होटल से ये खाना लाते थे। पहले जो होता था वो होटल से ही खाना लाया करते थे, और होटल से ही जो अब मॉडर्न सोसाइटी में है वो नाइट को कहाँ भी घूमने जाते हैं, पब में वगैरह वगैरह जो कुछ है वो। देर इज हाई प्रोफाइल सोसाइटी, ये एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी की जो है ये हमें बता रहे हैं कि हम हाई प्रोफाइल सोसाइटी है वगैरह। हम अच्छे से जो रहते हैं वो हाई प्रोफाइली रहते हैं, इस तरह से ये मॉडर्न फैमिली बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंसेप्ट ऑफ मित्र संबंध, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मित्र संबंध से है इमर्जिंग इन इंक्रीज एंड इंक्रीजिंग, ये बहुत से फैल रहा है, वे वेस्टर्न से आया है और ये बहुत फैल रहा है। तो मैट्रियलिस्टिक यूरोपियन कंट्रीज में है ये मित्र संबंध जो है, वो यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा होता है। इसमें से मैटेरियलिस्टिक मतलब जो है वो एक साथ लिव इन रिलेशनशिप इसे कहा जाता है, ये यूरोपियन कंट्रीज से आए हैं। दिस कंसेप्ट कम्स फ्रॉम वेस्ट, वेस्टर्न यूनियन में ज़्यादा होता है ये। रीज़न, इसका रीज़न क्या है, स्पीडर डेवलपिंग सोसाइटीज, ज़्यादा डेवलप होने वाली सोसाइटी है इस वजह से भी ये हो रहा है। पर्संस लव टू लिव सिंगल लाइफ, मतलब जो पर्सन्स है वो सिंगल लाइफ जीने में ज़्यादा समझ रखते हैं और ये बहुत अच्छे से जी सकते हैं ऐसे उन्हें लगता है। दे डोंट वॉन्ट टू अंडर बॉन्ड ऑफ मैरिज, वो बंधन में किसी भी रहना नहीं चाहते, मैरिज के बंधन में या और किसी बंधन में नहीं रहना चाहते। ग्रेट इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन क्रिएटिंग सच रिलेशंस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी चाहते हैं और जो है कंट्रीब्यूशन भी चाहते हैं जो यंगर्स है वो, और इस तरह से वो रहना चाहते हैं। इन ऑस्ट्रेलिया 25, यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ऑस्ट्रेलिया 25% वुमन बिकम मदर फ्रॉम फ्रेंडशिप की, सॉरी फ्रेंडशिप करके वो मदर बनी है, रिलेशन विदाउट मैरिज, तो विदाउट मैरिज रिलेशन के वो मदर बनी है। तो द कंसेप्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन मेजर सिटीज, पायल शर्मा केस, ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट केस है आपके हिसाब से, लॉ के हिसाब से। तो इसमें यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, चंडीगढ़ हाई कोर्ट हेल्ड दैट मैन एंड वुमन लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज, ये हमारे हाई कोर्ट्स ने भी, और ये जो होता है वो हमारी स्वतंत्रता का वो मैटर करता था ये एक्ट। तो सॉरी, तो ये एक्ट जो है वो हाई कोर्ट ने बताया कि ह्यूमन की जो फ्रीडम है उसको मैटर करता था, इसलिए हाई कोर्ट ने बताया कि एक साथ रह सकते हैं मैन एंड वुमन लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज, थॉट इमोरल इज नॉट इलीगल, इट मीन्स थॉट इज सीम्स इमोरल बट ये अच्छा नहीं लगता है, बट मित्र संबंध इज लीगल। ये संबंध, मैत्री संबंध जो है, जो मित्रता है वो लीगल है,
लेकिन दिखने में ये एक वुमन और एक जेंट्स को ये अच्छा नहीं लगता है कि वो ये बिना मैरिज के एक साथ रहे। लेकिन पायल शर्मा ने जो केस दाखिल किया था 2001 में, तो इसे हाई कोर्ट ने मान्यता दी है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। देखिए ये आपको भी उपयोगी पड़ेगा, कभी आप बाहर रहने जाएंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे फैमिली के हिसाब से रहना चाहिए। तो चलिए, सजेशन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली, बेटर मैरिज, जो अगर सजेशन जो है हमारे रिकंस्ट्रक्शन फैमिली के अच्छे होंगे तो उसके हिसाब से हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये सजेशंस है सिर्फ, ये हमें लॉ के हिसाब से देखने भी है और ये लॉ के हिसाब से हमें इम्पोर्टेंस भी है। बेटर मैरिज, अच्छे मैरिज करना चाहिए, जैसे कि अरेंज मैरिज हो या लो मैरिज हो, लेकिन हमारे फैमिली को बताकर ही करनी चाहिए। मैरिज इज इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, एडमिटिंग मैन एंड वुमन टू फैमिली लाइफ, एक फैमिली लाइफ के लिए एक साथ आते हैं। विदाउट केयरफुल एंड मैच्योर थ्रो चीफ क्यूजेस ऑफ फैमिली डिस्कॉर्ड लीडिंग टू डिवोर्स। अगर विदाउट केयरफुल मतलब आपने आप ही बिना फैमिली को बताए शादी कर लिया, और इकोनॉमिक या हमारी कुछ नीड्स है वो हम उस हिसाब से पूरी नहीं कर सकते, तो हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है और उसमें सॉरी डिवोर्स भी हो सकता है, डिवोर्स तक जा सकती है। द फैमिली इज टू बी कंसिडर नॉट मेयरली पेरेंटशिप पार्टनरशिप बट इन इंस्टीट्यूशन सोशली नेसेसरी एंड स्केल्ड। तो जो सोशली नेसेसरी है, हमारे सोशली नीड्स है, उस हिसाब से हमें फैमिली को बनाए रखना है, पार्टनरशिप को बनाए रखना है, ठीक है। तो ये बेटर मैरिज का एक सजेशन है। मेंटल एडजस्टमेंट, हमें बेटर मैरिज जो है मतलब जो हमारे फैमिली को बनाए रखने के लिए मेंटल एडजस्टमेंट भी जरूरी है। एडजस्टमेंट टू एटीट्यूड्स बिटवीन द कपल, कपल में एटीट्यूड्स का भी एडजस्टमेंट होना चाहिए, उसमें मेंटेनिटी होनी चाहिए, और एक साथ रहने के हिसाब से हमें एटीट्यूड भी एडजस्ट करना चाहिए, ज़्यादा एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। इफ मेंटल डिस्केल एंड फ्रस्ट्रेशन आर बी अवॉइडेड, अगर हमने फ्रस्ट्रेशन और जो डिस्कॉर्ड है उसे अवॉइड कर दिया, मस्ट बी ग्रेटर, ये हमारे लिए अच्छा होगा और हमारी फैमिली भी स्टैंडिंग कर पाएगी। ओके, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जनरल मतलब जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है उस हिसाब से। रिलीजियस रिट्स, हिंदू मैरिज, यहाँ पर देखिए रिट्स जो है मतलब जो विधि है, विधि रिलीजियस रिट्स मतलब विधि, विधि जो है सेक्शन 7 जो है ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसमें से हम लास्ट में एक केस भी देखेंगे। तो जो सेक्शन 7 है ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, उस हिसाब से रिलीजियस रिट्स भी होनी चाहिए हिंदू मैरिज में जो होती है, हम पहले देखेंगे। कोर्ट्स इन डिफरेंट रूलिंग हैव हेल्ड दैट, कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया है एक रूल को, सप्तपदी इज नेसेसरी फॉर द हिंदू मैरिज। सप्तपदी मतलब जो हमारे सप्तपदी जो मतलब सात फेरे होते हैं हमारे, सप्तपदी हिंदू मैरिज में इसे लीगल कर दिया है, और इसके हिसाब से अगर ये सप्तपदी नहीं होते हैं तो हमारा मैरिज जो है रूलिंग के हिसाब से गलत है, ये मैरिज नहीं हो सकता, तो सप्तपदी जरूरी है। कस्टम, अब हम देखेंगे पहले सप्तपदी नहीं होती थी, पहले सिर्फ बीच में पर्दा लगा के जो कुछ भी अक्षदाई वगैरह होती थी, इसके बाद जो है अब सप्तपदी होने लगी है। कस्टमरी रिट्स, जो कस्टमरी रिट्स है कुछ सामान्य विधिज है उसमें से कुछ बताई है। सेरेमनीज आर टू बी परफॉर्म्ड, जैसे कि कन्यादान विधि, कन्यादान विधि कन्या का पिता करता है, सप्तपदी भी होती है जो हमने ऊपर देखा सप्तपदी। वेद निश्चय भी होता है, मुहूर्त भी उसमें देखा जाता है, संकल्प किया जाता है, ब्रीड ग्रूम्स प्रॉमिस, उसमें ब्रीड ग्रूम्स की प्रॉमिस भी होती है, कन्यादान बंधन सॉरी कंकना बंधन, जो कंकना बंधन होते हैं हाथ में पहनने वाले कंकना बंधन, उसमें भी किया जाता है। द ग्रेट होमा,
जो होम वगैरह होता है वो गृह प्रवेशा जो है, गृह प्रवेश क्रिया किया जाता है, वो भी इसमें आता है। गृह प्रवेशा का होम किया जाता है, होम हवन से इस विधि को संपन्न किया जाता है। मुस्लिम मैरिज में ऐसा नहीं होता, सिंपल सेरेमनी होती है, प्रपोजल ऑफ मैरिज वन पार्टी टू द अनदर, तो उसमें बोलते हैं ना वो कबूल है कबूल है, तो ये वन पार्टी टू द अनदर प्रपोजल भेजे जाते हैं। सेरेमनी इज बाय काजीज और मुल्लाज, वो काजीज और मुल्लाज जैसे हिंदूज में जो ब्राह्मण वगैरह होते हैं जो पूजा करते हैं वो होते हैं, उस स्वामी वगैरह होते हैं, तो काजीज और मुल्लाज इसमें होते हैं। नो स्पेशल रिलीजियस रिट्स, ठीक है, तो आपको इसमें जो रिट्स है विधिज है तो स्पेशल विधिज कोई भी नहीं। पर्सी लॉ मैरिज, तो पर्सी लॉ मैरिज में सेरेमनी होती है आशीर्वादा, आशीर्वादा सेरेमनी होती है, इसलिए जो प्रिस्ट होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, पर्सीज प्रिस्ट होते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं, बाय टू पर्सीज विटनेस होते हैं। इसमें भी रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पर देखिए पर्सीज में रजिस्ट्रेशन होता है और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आपकी शादी हो गई है। इज नेसेसरी, सर्टिफिकेट इज नेसेसरी, उसकी आवश्यकता है ही, सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। क्रिश्चियन मैरिज क्या है, परफॉर्म्ड बाय द अथॉरिटी, एक क्रिश्चियन अथॉरिटी होती है, उसके बाद उसके हिसाब से परफॉर्म किया जाता है मैरिज। मिनिस्टर ऑफ रिलीजन जो होता है, जो धर्म गुरु होता है, धर्म गुरु यहाँ पर याद रखेंगे, जो क्रिश्चियन धर्म गुरु होते हैं वो रजिस्टर करते हैं, वो लाइसेंस भी मुहैया कर रहते हैं कि आपकी शादी हो गई है, बाय गिविंग नोटिस टू इंटेंडेड पार्टीज, उस उनको नोटिस भी भेज दिया जाता है कि आपकी शादी हो गई है। पब्लिकेशन भी किया जाता है उस शादी का और डिक्लेरेशन भी किया जाता है कि शादी हो गई है उस नोटिस में या और समाज के अंदर, तो ऐसे क्रिश्चियन का मैरिज होता है। तो ये हो गया तीनों चारों लॉ जो मैरिज के हिसाब से है। अब देखेंगे केस लॉ, महिला गुमानी वर्सेस रामदया, इसमें जो है हमने बताया था कि सप्तपदी की जरूरत पड़ गई है, तो यहाँ पर देखिए केस कोर्ट हेल्ड, कोर्ट ने क्या कह दिया है, दैट इफ पार्टीज टू मैरिज डू नॉट ऑब्जर्व एनी सेरेमनीज वॉट एवर, देर इज नो वैलिड मैरिज। अगर आप किस भी सेरेमनी का हिस्सा नहीं करते हैं इसमें, मतलब इसमें कुछ भी सेरेमनीज एक्टिविटीज नहीं करते हैं, जैसे कि शादी के लिए चाहिए, जैसे हमने ऊपर देखा कन्यादान, सप्तपदी, वेद निचा, मुहूर्ता वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, जैसे कि ग्रेट होमा वगैरह प्रॉमिस हो गया, तो ये सब कुछ होने अगर नहीं हुआ है, सेरेमनी नहीं हुई है, अगर आपने जाकर किसी मंदिर में शादी कर लिए तो ये ग्राह्य नहीं हो पाएगी और ये इसे अनलीगल करार दिया जाएगा, इलीगल हो जाएगी ये मैरिज, ये नॉट वैलिड मैरिज है, ठीक है, देर इज नॉट वैलिड मैरिज, ठीक है। तो ये जो फैमिली कंसेप्ट है यहीं पर ख़त्म होती है, हमने बहुत अच्छे से स्टडी करके बताया है आपको, और अगली भी वीडियो आने वाली है मेरे फैमिली लॉ के ऊपर ही। मैंने बहुत से लॉ रिलेटिंग वीडियोज़ देखी है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, तो प्लीज़ यार चैनल पर बने रहे और सब्सक्राइब कीजिए।